की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नरनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी। बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। के कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला। इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। और चलिए नया सवेरा की शुरुआत